हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। आज वंशु भी स्कूल नहीं गया है, आज थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी ठीक है ना बेटा? हाँ। बुखार उतर गया? हाँ। एक्चुअली वो भी 3 दिन से स्कूल नहीं गया था, तो उसको फीवर हो रहा था। और मेरी बेटी भी स्कूल नहीं गई है, उसको भी फीवर हो रहा था, तो वो अभी आराम में है, वो भी सो रही है। और बस अभी हम लंच की तैयारी करेंगे। टाइम हो चुका है, 12 बज रहे हैं। और ये देखिए, ये भी सो रही है, आराम में है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा साफ़ सफाई का काम चल रहा था। एक्चुअली सारा सामान है जो मैं इस खाने को साफ़ कर रही थी। एक्चुअली फ्री टाइम होता है तो ऐसा कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो बस ऐसे ही चलता है। ये सब सामान वगैरह मैं सेट कर रही थी। और मेरी बेटी की तबीयत भी अच्छी नहीं है, देखो वो सो रही है। अब कैसे है? अच्छा है? बुखार उतर गया? उतर गया बुखार? 2 दिन से 3 दिन से वो भी स्कूल नहीं गई है। और ये वंशु, ये भी स्कूल नहीं गया है। ये देखो क्या कर रहा है, दिखा ऊपर। ये क्या है? ये घड़ी है। तो बस अभी मेरा थोड़ा सा काम थोड़ा बहुत हुआ है और थोड़ा बहुत बाकी है। और टाइम देखिए हो रहे हैं 12:05 बाकी है अभी। और मैंने लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज बैंगन का भरता। तो अभी पापा आए हैं सब्जी लेके। कुछ ये बैंगन पड़े थे और कुछ थोड़े बहुत कम हो रहे थे, इसलिए पापा बाजार से ले आए। और टमाटर भी लेके आए हैं, थोड़ा पनीर लाए हैं जो वंशु ने पनीर की भुर्जी खानी थी। टमाटर क्या भाव मिले पापा? 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो, ठीक। और बैंगन? बैंगन 30 रुपये किलो। ठीक, 30 रुपये किलो। टमाटर अच्छे है ना, लाल लाल से? और आज बाजरा मंगाया था पापा ने, तो बाजरा मेरे यहीं पे पड़ा है अभी। और बाजरे का थोड़ा सा आटा पिसवाया था, बहुत अच्छी होती है बाजरे की रोटी। और ये बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी का मैच तो बहुत ही अच्छा होता है। है पापा, है ना वो गुजराती में ओला रोटला है ना, ओला रोटला बोलते हैं, उसके साथ अच्छा लगता है। यहाँ ये सीजन में बहुत चलता है। बाजरे की रोटी अच्छी भी होती है ना, हल्की फुल्की, भर भरा सा नहीं लगता पेट, भारी भारी सा। ए बेटा, टमाटर खा रहा है तू? दे खा रहा है के? ते हाँ, ऐसे नहीं खाते। तो बस यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत जो नाश्ते के बर्तन हैं बस वो धो रही थी। तो साथ में मेरा किचन का भी काम चलता रहता है। खाना एक साइड में बनता है और दूसरे साइड में ये मैं बर्तन धो रही हूँ। और वंशु बार बार आ रहा है जा रहा है, क्योंकि आज वो बोल रहा था कि आज मुझे मम्मी ट्यूशन में नहीं जाना है। तो मैंने बोला नहीं बेटा, इतने दिन हो गए, आज तो जाना पड़ेगा। तो वो मुझे फुसला रहा था कि आज मुझे मम्मी नहीं जाना है ट्यूशन में, कल से जाऊँगा। खाता भी नहीं है कुछ, बस वो बोल रहा था मुझे वो खाना है पैकेट वाला, इसलिए। तो बस अभी जो पापा सुबह लाए थे सब्जी, वो टमाटर वगैरह वॉश कर रही थी, क्योंकि मैं टमाटर जो भी होती है सब्जी पहले वॉश करके फिर उसे रख देती हूँ। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि आजकल दवाइयाँ वगैरह छांट के आते हैं टमाटर, कितने अच्छे लाल लाल से टमाटर हैं, बहुत अच्छे थे टमाटर पापा लाए थे। तो बस मैंने कहा इनको धो के रख देती हूँ। तो अभी वो ये हरी वाली प्याज है, ये हरी प्याज तो बहुत अच्छी लगती है बैंगन के भरते में। तो इसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब बस धो लिया मैंने इसको अच्छे से, अब थोड़ी देर तक ऐसी स्प्रे। और अभी मैं बना रही हूँ ये पानी हल्दी वाला, ये बहुत ही अच्छा होता है। जिसको खांसी और क्या उधरस होती है और सर्दी होती है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा करना है नॉर्मल, जैसे कि हम पी सके। और यह सूंठ का पाउडर आता है जो, वो इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे। और एक साइड पे मेरे बैंगन चल रहे हैं और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी तो वैसे ही कफ हो या गले में कुछ भी आपको इन्फेक्शन हो तो उससे काफ़ी असरदार होती है हल्दी। और थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे,
और नींबू भी ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट लेना है। नींबू काफ़ी अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। और इसको हम थोड़ा सा गुनगुना ही रखेंगे। एक्चुअली काव्या को थोड़ी बुखार और खांसी उधरस हो रखी थी, इसलिए ये कफ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये पानी अगर आप पीते हो बना के। तो ये बन चुका है, अब मैं इसको ग्लास में डाल लेती हूँ। इसको अब हम दे आते हैं काव्या को। ये देखो वंशु क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू, सारा दिन ये खाता रहता है कचर पचर और कुछ नहीं अच्छा लगता खाने को। ये ले काव्या, ये हल्दी वाला पानी पी ले ले चल। ये रेसिपी मुझे किसने, पापा ने बताया। कैसा टेस्ट लग रहा है काव्या इसका? गंदा लग रहा है। पर ये हल्दी होती है ना बहुत अच्छी होती है कफ के लिए, कफ को जो एकदम छुट्टा कर देती है, पता है? हैं? चल पी ले फटाफट से, फिनिश कर दे सारा। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा रही थी और दूसरे वाले कमरे में तो मैंने लगा दिया था, दोनों कमरों में झाड़ू लगा दिया था। बस ये लास्ट वाला रूम था, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और आगे आके हमारी जो बाल, और यहाँ पे हमारे थोड़े बहुत से जो प्लांट्स लगा रखे हैं हमने, ये वो मनी प्लांट्स है। ये ऐसे दो पोट मैंने लगा रखे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। और यहाँ पे है ये वाला है, इसको कृष्ण भगवान जी का पौधा कहा जाता है, एक यहाँ पे है। और यहाँ पे नीचे हमने हनुमान चंपा जी का लगा रखा है, वो बड़ा है इसलिए अंदर जगह नहीं थी इसलिए वहाँ बाहर रखा है। और एक ये वाला है, देखिए इस पर फूल भी आया हुआ है पर्पल कलर का। अभी थोड़ी केयर नहीं हो रही है इनकी इसलिए थोड़े सूख गए हैं। एक्चुअली बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं तो इतना समय नहीं निकल पाता है कि हम इनको अच्छे से ध्यान रख सकें। तो फिलहाल आज टाइम है तो मैंने बोला थोड़ा पानी दिया जाए क्यों इनको। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच, मेरा सारा जो काम था वो हो चुका है। तो आज मैंने बताया था आपको मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, उसके लिए मैंने ये सब चीज़ें ले रखी है, ये टमाटर और ये हरे प्याज, और ये मैंने बैंगन को भून के अच्छे से उसको कर लिया है। अब हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाए, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूँगी हींग। हींग बहुत ही अच्छी होती है जिसको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। हींग तो ज़्यादातर मैं अपने खाने में हींग डालती हूँ, हींग के बगैर तो मेरा खाना बनता भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में सबको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो हींग मैं हर एक खाने में अपने सब्ज़ी में डालती हूँ। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे कि आप गुजरात से बाहर चले जाते हो तो काफ़ी जगह मैंने देखा है, मैं खुद पंजाब से हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो हम जब ये बैंगन का भरता बनाते थे तो ये हरे प्याज मैंने कभी भी नहीं ट्राई किए हैं कि बैंगन के भरते में कैसे बन लगते थे। हमारे वहाँ तो होते हैं ना वो दूसरे नॉर्मल ऑनियन होते हैं, वो ही डालते थे। तो जब से मैंने, मेरी मैरिज हुई थी यहाँ गुजरात में, तब मैंने ये देखा था, मैंने कहा अरे यहाँ पर तो ये हरे प्याज डालते हैं, हरे प्याज डाल के ही बनाते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैंने पहली बार ये खाया था हरे प्याज का भरता, इसको गुजराती में ओड़ा कहते हैं, ओड़ा। अरे बहुत ही अच्छा बनता है अगर ये हरे प्याज डाल के आप बनाओ, मतलब अलग सा टेस्ट आता है। बस तब से मैं यही खाती हूँ, मेरे पापा को भी बहुत अच्छा लगता है तो वो भी बोलते हैं कि जब मैं वहाँ आऊँ तेरे पास तो मुझे ये वाला बना के खिलाना। तो बस अभी मैं किचन में आई थी और ये बैंगन का भरता जो बनाना था मैंने, उसकी ग्रेवी बना रही थी बैंगन के भरते की। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे इस स्टाइल में बैंगन का भरता बनाना तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं इसकी स्पेशल वीडियो एक आपको भेजूंगी जिसमें मैंने ये बैंगन का भरता बनाया है। तो फाइनली मेरा लंच तैयार हो चुका है, ये देखिए ये बन गया है बैंगन का भरता, कितना टेस्टी लग रहा है। और मैंने बनाया है वंश के लिए पनीर भुर्जी,
खाता तो नहीं है, बट देखिए उसने कहा है मुझे पनीर भुर्जी खानी है, इसलिए मैंने बनाई है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं लंच खाने के लिए, खाना खाने। कहाँ गए थे आज सुबह सुबह, कहाँ चले गए थे? चलो ऊपर आओ। आज सुबह क्या हुआ था? मधुमक्खी ने काट लिया था। मधुमक्खी ने काट लिया था ना? मधुमक्खी ने पैर में काट लिया था। अभी कैसे सूजन हो गया? खा गया यहाँ पे तो माटी लगाई थी, मिट्टी लगाई थी ना रात में मैंने। चलो अंदर। सही, अच्छा हो गया। सही हो गया अब। तो हमने लंच कर लिया है, हमारा लंच हो गया था 3 बजे, हमें काफ़ी लेट हो जाता है लंच के लिए। अभी टाइम हो रहा है 4। तो आज वंश भाई कहाँ गए? इधर आओ वंश भाई। आज वंश कहाँ जा रहे हैं? बाल काट, हेयर कट कराने। हाँ। क्योंकि बाल बड़े हो गए हैं ना। हाँ। कहाँ जा रहे हो हेयर कट कराने? मेरे पापा की दुकान। ठीक, चलो अच्छे अच्छे से हेयर कटा के आना, ठीक है? हाँ। और फिर दिखाएंगे कैसे हेयर कट स्टाइल बनाया है वंश का। बाय। चलो बाय कर दो, जाओ। बाय। दादा लेके जा रहे हैं। दीदी को भी ले। दीदी को नहीं ले जाना है, जाओ तुम जाओ, जाओ जाओ जल्दी। हाँ जाओ, कटा के आओ इसे हेयर कट। और मम्मी अभी आराम पे है, मम्मी थक चुके हैं आज बाल मंदिर जाके। मम्मी मेरा बाल कट गया। कैसा बाल कटेगे तुम? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कट करना है? हाँ। मतलब के कैसे? ऊपर से? नहीं, ऊपर से। ऊपर से के साइड में? ऊपर से। ऊपर से? यहाँ से। यहाँ से करे ये? हाँ। छोटे छोटे बारीक एकदम? हाँ। चलो ठीक है। नहीं पापा। हाँ। यहाँ से और यहाँ से, सब जगह से छोटे? हाँ। ठीक है। क्रोकोडाइल। तो फिर हेयर कट करने के बाद फिर क्या बोलेंगे कि मेरा कटिंग कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताए। बोल दे एक बार। बोल दे। तू बोल दे पहले। आपको मेरा अच्छा हेयर कट लगे तो आप कमेंट करके बता देना। चलो। और अच्छा लग गया और ज्यादा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है। बाल कैसे कटे तेरे? अच्छे। अगर गाइस आपको मेरे बाल अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अच्छे लगे हो ज़्यादा तो कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगे मेरे बाल। और ये पापा ने मेरे पापा ने ये काटे हैं, तो डिजाइन देख सकते हो। या मैं या कट कराए डिजाइन, और या मैं पीछे से और यहाँ से बाल काटे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना आपको। ठीक है वंशु। हाँ पापा। बढ़िया ना? बढ़िया लगे पापा, बहुत अच्छे हैं, बहुत एकदम क्यूट क्यूट। हाँ। चलो तो सभी को बाय बाय कर दो आज के लिए। बाय बाय गाइस, आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। ओके ओके, चलो बाय बाय। बाय बाय। वंशु आ गया दुकान से। हाँ। मस्त हेयर कट कराया था ने, दिखा किसने किया? पापा ने। अरे वाह, मैंने लाइन कर दी पापा। वाह, पीछे दिखा, अब आगे दिखा। वाह मस्त लग रहा है अंशु। अभी क्या करना, नहाएंगे ना? हाँ। तो अभी टाइम बज रहे हैं 5 और वंश आ गया हेयर कट करा के दुकान से। उसके लिए मैं पानी कर रही हूँ गर्म नहाने के लिए। सो आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ी हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और थोड़े थोड़े बादल भी हो रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच चुके। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।